हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये सॉफ्ट स्पॉन्जी ढोकला बनाएंगे। कई बार छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिनके कारण हमारा ढोकला फूलता नहीं है, तो चलो शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने एक बर्तन लिया है और मैं एक ही कटोरी के नाप से सारा सामान लूँगी। तो ये मैंने एक कटोरी बेसन ले लिया है और इसी एक कटोरी से एक कटोरी मैंने सूजी ली है। ये फ्रेश दही है, एक कटोरी फ्रेश दही डाल देंगे इसमें। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम और बाद में डालेंगे। ये चार हरी मिर्च हैं, छोटा सा अदरक का टुकड़ा और चार पांच ये लहसुन की कलियां हैं। पहले इनका एक पेस्ट बना लेंगे। मिक्सचर जार में डालकर मैं इसे पीसूंगी और फिर हम इसे पीसने के बाद इसी में मिला लेंगे। अब डालेंगे इसमें एक चम्मच नमक और ये मैंने एक चम्मच डाली है चीनी और आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर और दो चम्मच डालेंगे रिफाइंड ऑयल, जो भी हम खाते हैं कुकिंग ऑयल, दो चम्मच मैंने इसे डाल दिया इसमें। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी अब हमारा बैटर ये गाढ़ा लग रहा है, तो हम जिस बर्तन में हमने मिक्सचर जार में मिर्चें पीसी थी उसी में थोड़ा सा पानी डालकर हिलाकर उसे भी इसी में डाल लेंगे और इसे अच्छे से घोल लेंगे। अब ये हमारा बैटर परफेक्ट है और अब लास्ट में हम डालेंगे इसमें एक पाउच इनो का। इसमें एक चम्मच के हिसाब से ही आती है और थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और हमें इसे एक ही डायरेक्शन में मिलाना है, इस तरह से, दूसरी साइड से हमें इसे मिक्स नहीं करना है। ये मैंने बर्तन में अच्छे से ऑयल लगा लिया था और इसमें हम इसे अपना बैटर को डाल लेंगे। चाहे तो थाली भी ले सकते हैं। ये मैंने जिसमें मैं केक बनाती हूँ ये वो बर्तन है। ये मैंने गैस पर एक बर्तन रख दिया था जिसमें मैंने 1.5 गिलास पानी उबलने के लिए रख दिया था। अब अपने इस बर्तन को स्टैंड के ऊपर रख देंगे और इसे 20 से 25 मिनट के लिए हम ढककर रख देंगे और उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ टूथपिक से। और ये हमारा ढोकला बिल्कुल बनकर तैयार है, गैस को हम ऑफ कर देंगे। अब इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। तो ये मैंने दो चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है, इसमें एक चम्मच राई, थोड़े से करी पत्ता और हरी मिर्च डाल देंगे इसमें। और आधा ग्लास मैंने ये पानी डाल दिया है, इसमें मैंने एक चम्मच चीनी। अब इसे अच्छे से पका लेंगे। ये हमारा तड़के का पानी है और इसे ढोकले के ऊपर हम अच्छे से फैला देंगे और ये हमारा ढोकला बनकर तैयार है। और इतना अच्छा ये फूला है, इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।